नमस्कार फैमिली ब्लॉग वीडियो में आपका स्वागत है। शिवनंदनी कौशल्या यहाँ कावा दो जने, ये मेरी छोटी बहन कौशल्या है और ये मेरी छोटी बहन शिवनंदनी। आरती की ना छोटे लड़के कृष्णा की आरती बधाई पूज रही है। किस दिन? सोमवार के दिन। ये के लिए? नहीं मैं चला जा रही हूँ हमारे साथ। और हम कब आजेंगे? आ जाना सोमवार के। सोमवार के दिन? हाँ। आए कौशल्या तुम भी? हम नहीं जाएंगे। हैं? कौशल्या पढ़ने जाएगी। कौशल्या का जो है पढ़ने में बहुत मन लग गया है, उसको मैंने समझा दिया है कि मान लो ज्यादा इधर उधर के काम करने से कोई मतलब नहीं है, खाना पीना बनाना गोबर डालना ये तो जिंदगी में अगर नहीं पढ़ पाओगे तो करोगी ही। अभी तो कोशिश करके देख लो, अगर शायद दिमाग शांत है तुम्हारा, पढ़ाई में मन लगता है तो तुम पढ़ लिख लो, है ना। आरती का ससुराल कहाँ? ये क्या ये इस दिशा में जा रहा है, ये किस दिशा में जा रहा है, ये क्या है? चप्पल जूता कैसे लगा था मैं के खाना दे देता। हां जी नमस्कार, बैठिए। क्या हो रहा है? धान काट रहे हो? धान काट रहे हो? ये वो लड़की आरती की लड़की की बधाई क्या करी है क्या? हां चला जा तेरी। हैं चला जा, मुझको नहीं जाना, मैं जाऊंगा बाद में। तेले लाने क्या क्या करेंगे आरती की लड़की बधाई में? कैसे मुंडन होगा उसको, अपने खखरिया बनाएंगे, गांव पड़ोस के सबको बुलाएंगे, सगारे खखरिया बेल के बनाएंगे। तुम वहाँ इतने दिन पहले से जाके क्या करो? जैसे खखरिया खनिया बनवाना है तो उसके दो लड़कियां देखना। ओहो आरती परेशानी में, मेरी छोटी बहन आरती परेशानी में है, प्लीज आप लोग जाके आरती पटेल, आरती बहन पटेल के नाम से यूट्यूब पे चैनल है, देख लो तो वो परेशानी कम हो सकती है। अगर वीडियो देखोगे उसके तो उसके अर्निंग आएगी ज्यादा। मेरी एक छोटी बहन है आरती, वो रहा करती थी हमारे साथ, खाना वाना बनाया करती थी, फिर बड़ी हो गई, उसकी शादी वादी कर दिया, चली गई बेचारी। अब वीडियो बनाने लगी। दो लड़के हैं कृष्णा, वीडियो बनाती है यूट्यूब पर, आरती बहन पटेल के नाम से अकाउंट है, आप जाके देखना। और ये शिवनंदनी भी वहीं जा रही है आरती के वहां, तो इसका भी एक यूट्यूब चैनल है शिवनंदनी बहन पटेल, प्लीज मेरी फैमिली और मेरी बहनों इसका भी सपोर्ट करना, इसका भी सपोर्ट। हम आरती के वहां के गुलाब बनाकर डालेंगे तो जा देख लेना। हां देखने वाले आए थे आपके घर में? हां वो क्या कहा? उन्होंने कहा कि आ जाओ मां जी, ये लड़की छिका जाओ। हमने कहा पहले तो वो गाड़ी मांग रहे, नहीं वो मांग नहीं रहे थे, वो ये कह रहे थे कि गाड़ी ले लोगे तो आने जाने में सुविधा हो जाएगी तुम लोगों को, तो हमने कहा गाड़ी तो लेंगे हम, ऐसा कहा। ठीक है तो उनको गाड़ी देंगे क्या? देंगे नहीं, पर जब जब वो अपने आप में फीलिंग कर रहे हैं कि भाई हमारी लड़की गाड़ी में घूमेगी और गाड़ी में चलेगी नहीं तो हम उस घर में शादी नहीं करेंगे, तो मांगना ही हुआ ना अपनी लड़की के लिए, मांग रहे नहीं तो हम तो जीवन देखो चला ही रहे हैं अपना ऐसा। तो हाँ उनको नहीं कहना चाहिए हम अपनी मर्जी से आगे ले या पीछे ले, उनको नहीं कहना चाहिए, उनको गाड़ी गाड़ी का मतलब नहीं रखना चाहिए। हर चीज अब हमको हमारा मकसद खुद हमको पता है ना, तो उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए, पर वो लोग कहा तो कुछ नहीं ठीक है। नहीं जब हमको कुछ चीज लेना है तो उसमें गाड़ी हमारे बुला रहे हैं। हाँ गाड़ी हमारे लड़की देखने जा रहे हो मतलब? हाँ। हमने लड़की नहीं देखी है, लड़की की एक फोटो बस देखी है, सो उन्होंने हमसे बात करके कहा है कि भैया ऐसा ऐसा बात है ये सब, अच्छा तो हमें लगा कि सही है, मतलब माँ जी से कहा है कि माँ जी आए हैं वो लड़की वाले, देख के चले गए हैं, अब वो बुला रहे हैं। और गाड़ी की बात रही तो जैसे हम गाड़ी ले लेंगे तो उनको तो हमारी गाड़ी मिल नहीं जाएगी। ले लेंगे कहते आगे ले लेंगे नहीं पीछे ले लेंगे जब हमारा मन होगा तो लेंगे। तो आए तुम ले लो ना, कितने की मिले? जितने की मिला बस 15-16 लाख तक की मिलेगी। 15-16 लाख क्या? 12-13 लाख तक की ऐसी गाड़ी मिलती है क्या? 2 रुपये की गाड़ी। कब तक पैसे दोगे तुम्हें? पैसे दे दो 1-2 महीना के बाद गाड़ी ले लेंगे। अच्छा
आप जो है हम 2.5 महीने के बाद एक कार ले रहे हैं बढ़िया सी, आप बताइए कमेंट करके कौन सी कार लूं। कार एक क्रेटा कार आती है एक, वो लेते हैं। तो ऐसे ही जी मेरी छोटी बहन से नंदनी जा रही है, चलो मैं विदाई कर देता हूँ। मेरी छोटी बहन से नंदनी आरती बहन के घर जा रही है, आओ कौशल्या तुम भी पैसा वैसा दे दो। और आरती बहन से कहना कि तुम टेंशन मत लो, मंगल भैया की फैमिली पूरा का पूरा वीडियो देखने आ रही है तुम्हारे चैनल में। मेरी पूरी बहनों जितनी भी हो जाओ, सब लोग आरती बहन पटेल का जो चैनल है वो जाके देखो, अच्छी वीडियो बनाती हैं। क्यों माँ जी एक बात पूछ रहे हैं, वो जो वहाँ पे पापा जी का मड़वा गड़ रहा था वो गड़ गया कि अभी नहीं गड़ा? आज गड़ गया, अभी वो साएंगे धान में पड़ गई है। तो पापा जी का मड़वा क्यों गाड़ रहे हो? शादी भी पाया है क्या? नहीं ऐसे मजाक में कहा था। ऐसा मजाक मत किया करो, जैसे ऐसा मजाक मत किया करो कि खुशी के मारे झूमने लगे हम पूरे पूरे विदेश में। कैसे झूमने लगेंगे कि लोगों की एक एक माँ होती है तो वो कहते हैं कि भाई वाह 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 मैं बहुत अच्छा हूँ, माँ शक्तिशाली है, और फिर दोबारा शादी पापा की हो रही है। ऐसे तो चक्कर में घुमाया जाता है। तो वैसे भारत की जितनी भी नारी है उनको माँ और बहन ही समझना चाहिए। और क्या आप ये कहते हैं हमको? इसीलिए इंसान आगे बढ़ता है। और मेरा छोटा भाई जो है सुनील पटेल, कैसे भाई? बढ़िया भाई, जो है दंगल लड़ता है चंदला विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ जहाँ कुश्तियाँ हुई हैं हर जगह कुश्ती लड़ी है भाई ने। नमस्कार भाई, कितनी बार दंगल लड़ चुके हो? अब जितने अपने विधानसभा में दंगल लगे हैं वहाँ वहाँ सब जगह गए हैं लड़ने। अभी कहाँ जा रहे हो? अभी दीदी को भेजने, सुनंदनी को छोड़ने जा रहा है वहाँ भाई। मेरा छोटा भाई है, इसका घर वहाँ पे है। और जाते फैमिली वीडियो अच्छे तरीके से पूरा देखना और कहीं छोड़ना नहीं, प्रचार आए तो प्रचार ही पूरा देखना, अच्छा अच्छा देखो। सुनंदनिया बाप पूरा डायलॉग बोला है पूरी। ठीक है जा रही हो आरती के यहाँ? ठीक है जाओ। जय श्री राम, जय श्री राम, सीताराम सीताराम सीताराम। पापा जी जो है यहाँ पर अब आ गए हैं, जहाँ पर माँ जी मड़वा गाड़ रही थी। सही बात है ना? यही है मड़वा, यही है मड़वा। इतना हुआ है देखो धान। हाँ सही बात है, इस साल सही हुआ है। हाँ इस साल जो है खुशी है, बढ़िया धान हुई है। ये अपना भरा है, अभी पटाई वाले में मिलेगा। ये पूरे खेत में कितनी ट्राली, एक ट्राली धान तो निकलाई होगी? 1 लाख का निकलेगा। 1 लाख का धान ही धान? धान और प्यार, प्यार 20,000 का प्यार है, तब तो बढ़िया फायदा है। अभी अभी दो बहाली की फसल रही गई, चना और वो तिली। हाँ वो अब धनिया बोएंगे, धनिया बोगे अब पापा जी। जी वहाँ पर देखो वो बटाई का है, वो आधा उससे हम लेंगे। दारू वारू पीते हो कोई? पूछ आ रहा हूँ कि शायद पीते हो आप लोग, ऐसे ही जिंदगी बिता रहे हो प्यार प्यार उठा उठा के। अच्छा ये बताइए किसानी में कितना फायदा होता है? बहुत ज्यादा। हम्म, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मेहनत नहीं है इसमें? हम किसानी करते हैं तो मेहनत कौन बताएगा कि ज्यादा मेहनत है? मेहनत ज्यादा है, जोलते पूरा जोलते। अरे तो ये उठा के पूरा दय मारते हो, इतना बड़ा शरीर लिए हो, चाहे भैया हाई फाई इतना बड़ा शरीर है तो यही से तो गांव देहात के आदमी अच्छे आने रहते हैं। हैं क्या कह रहे हो? ऐसे सिखेलोगे? ऐसे नहीं हम सिखाने लेने देंगे, हाँ हाँ तुम्हारे साथ बैठने नहीं देंगे ऐसे धान के पूरे की जगह। अच्छा। यहाँ अगर बैठने आना है तो वहाँ पे कुर्सी डालो, भैया पे बैठो। शुक्ला, हाँ हाँ हमारे मित्र हैं वो, दोस्त है। अच्छा।
बहुत अच्छा लगता है तुम लोग करते हो जो, हम तो मतलब कई बार तुमसे संपर्क जो है हमने कहा करें तुम्हें, और तुम एक पीछे दिल्ली दिल्ली आए थे तो हमने तुम्हें मैसेज डाला था कि तुम मिलो फिर आओ। हेलो, ये फैन है तुम्हारा बहुत बड़ा भैया, रेगुलर ब्लॉगर है तुम्हारा, देखता है सब। मेरा भी किचन चैनल है ना, यूट्यूब पर। आप अपने चैनल का नाम बताइए। छप्पन भोग किचन बाय आरती गुप्ता। डिशेस बनाती बहुत बढ़िया, आपको वो देता हूँ उनको। गाजियाबाद में रहती हैं बहन, आप भी रहते हैं? हम लोग चैनल में रहते हैं और इंदौर में अपना निवास रखते हैं। वो जो है रामदेव चाचा हैं मेडिकल वाले, उनके बगल में घर है अपना। किस चीज की फैक्ट्री है ये? परफ्यूम की फैक्ट्री है, परफ्यूम की। गोल्ड स्टार फैक्ट्री, ये गुलाब, ये हमारे यहाँ का बना हुआ है। आपकी फैक्ट्री है? हाँ। क्या नाम है फैक्ट्री का? गोल्ड स्टार फ्रेग्रेंसेस, लेके आए थे। बहुत बहुत थैंक यू, अच्छा है। अरे तुमसे संपर्क होता तो और भी सोचा था हमने। हमने पूछा था कि हम लोग बहुत जल्दी में आए, हम पूछ रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे कितने हैं जो पढ़ाते हो। अच्छा, वो फिर ये नहीं, वो पता है तुम्हारी शादी नहीं हुई और गड़बड़ भी हो गई एक बार, पार्टी हुई थी लड़की वाले क्या, बच्चों की पता चल जाए कितनी संख्या है तो हम कुछ ले आए बच्चों के लिए। अभी तो छुट्टियां है ना उनकी, तो हम फिर कुछ अभी छुट्टियां चलेंगी तो हमें बताना, तो फिर हम कुछ भेजेंगे भैया। भैया हमारा चक्कर भी नहीं लगा एक साल से, मैसेज तो बहुत भेजे हैं आपको, तो पीछे दिल्ली आए तो इतना देख नहीं। अरे हम नहीं देख पाते हैं, टाइम ही नहीं मिलता है। हमने कहा संपर्क साधेंगे लेकिन वो सही नहीं पाता, कभी कभी हम भी व्यस्त रहते हैं। ये हमारे बच्ची जमान है, ये बच्ची हमारी, ये जमान है हमारे। बहुत अच्छा, हम तो सौभाग्य मानते हैं अपने आप को जो आप हमारी वीडियो देखते हैं और बाद में ये अच्छा लगता है, देखने को मिलता है हमारे बचपन में से। मेहनत रंग लाती है मेहनत, और तुम तो वैसे भैया राम भक्त आदमी, हम राम भक्त आदमी, प्रभु जिसको जहाँ जिस माध्यम से जोड़ दे। चली गई आरती के पास। बिटिया हमें बहुत प्यारी लगती है तुम्हारी, जो बड़ी वाली बहन है क्या, शिव नंदनी, बहुत अच्छा, इतनी सीधी सज्जन है वो, बहुत प्यारी शांत बिटिया है। और अब गाजियाबाद आओ तो तुम आना जरूर। जी जरूर आएंगे, हाँ गाजियाबाद आएंगे तो घर है तुम्हारा, आओ। और इनका चैनल है छप्पन भोग, छप्पन भोग किचन, किचन रेसिपी, अलग अलग खाने पीने की रेसिपी। इसका बड़ा मन था कुछ करने का। कहाँ पर बनाते हो, चंदला में है या आप गाजियाबाद में? किचन है, तो मैंने इसको बोला कि मैंने कहा ऐसा है कि तुम अभी कुछ बाहर का ना करो, घर के घर से कुछ करो, धीरे धीरे उसे प्रमोट करो, कुछ करने की इच्छा है तो बढ़िया करो। सही है, राम राम जी। पापा जी आ गए हमारे, देखो पीछे। तुम लोगों से मिलके ऐसा लग नहीं रहा है कि पहली बार मिल रहे हो, कभी आप से जुड़े पापा नहीं करते, जो अरे जैसा वीडियो होता है वैसे ही डालते हो, कुछ भी हो रहा है घर में। पर ये माँ जी आपके लोगों के सामने बोलती नहीं, नहीं तो वहाँ पे पापा जी का मड़वा गाड़ रही थी। देखो भगवान की ऐसी कृपा बनी रहे भैया, और जमीन से जुड़े रहो। क्या होता है समय ऊपर नीचे हमेशा रहता है, लेकिन जो व्यवहार होता है ना इंसान का वही काम आता है। हाँ लेफा नहीं लेकर आओ फैमिली के लिए। डायरी कैसी है माँ जी? अच्छी है, बहुत अच्छी है। इसमें माँ जी का लेन देन अब लिखा जाएगा डायरी में। ये क्या लिखने के लिए? हाँ पूरी लिखी है, और ये इतने ऐसे है देखो, यहाँ से लगाया तो देखो हाँ बच्ची। क्या नाम है आपका? राघव। राघव और फेस भी बढ़िया है भाई का। पहले उनसे मिलवाएंगे फिर बहन बहनोई से मिलेंगे। ठीक है माँ जी, इधर को देखो, माउथ कैंसर हो गया उन्हें, आज मिल लिए और जीवन भर चलते रहेंगे। ठीक भैया, जरूर मिलेंगे दोबारा। जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक भैया, ठीक ले पापा जी लास्ट में बाय कर रहे हैं, जाओ माँ जी मड़वा गाड़ दो पापा जी का। ठीक है बहन।